ये क्या बेवकूफी की मैंने। सैफ के घर से ना भागती तो इस मुसीबत में ना फंसती। रानिया तो शायद मुझे माफ कर देती, मगर तैमूर खान ये मुझे कभी माफ नहीं करेगा। फोन भी मेरे इन लोगों ने ले लिया है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं, किधर जाऊं? अब फिर क्या हुआ? वक्त ने एक बार फिर मेरे साथ चाल चलने की कोशिश की है। कौन सी चाल? रिया यहाँ आई थी। रिया? हाँ रिया। कहाँ है वो? यही तो मालूम नहीं हो रहा। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे भी समझ नहीं आ रही, जो कुछ होना है हो क्यों नहीं जाता। तंग आ गई हूँ मैं रोज रोज के मरने से। मैं भी नताशा की बकवास से तंग आ गया। फिर क्या किया उसने? वो कहती है कि मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहती। क्या? She is saying कि वो बच्चा नहीं पैदा करना चाहती। मैं बात करती हूँ उससे। तुम क्या बात करोगी उससे? तुम्हारी वजह से ही तो ये सब कुछ कर रही है। मेरी वजह से? क्या उसे बता दिया है तुमने? काश, काश बता सकता उसे। तो फिर क्या है उसे? अंदाजे लगा रही है और क्या। मैंने तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए बुलाया था और तुमने मुझे ही उलझा दिया। सैफ, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मरी जा रहा हूं। नाश्ता करके तैयार। तुम्हारा जेवर और कपड़े मैं भिजवा दूंगा। डरो नहीं, क्योंकि आज हमारा निकाह है। जाने जा, जाने जा, जाने जा, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्यार। क्या हुआ अम्मी? सैफ कहाँ है? वो अम्मी। क्या बात है, घबरा क्यों रही हो, बता क्यों नहीं रही? अम्मी वो क्या, खुलकर बताओ, मेरी जान निकल रही है। वो तो रात को ही चला गया था। क्या, मुझे बताए बगैर कहाँ चला गया? सैफ उस लड़की को लेकर आया था। क्या, उस लड़की को? यहां से
वो अचानक गायब हो गई। मुझे लगता है सैफ उसकी तलाश में निकल गया है। Are you sure? पक्की बात है ना? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन यार ये कैसे हो सकता है? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, इसीलिए तुम्हें कॉल करने में देर की। लेकिन यार रिया तो मेरे साथ लाहौर गई थी। तो फिर वो तैमूर खान की हत्या कैसे चढ़ गई? मैं कैसे बताऊं तुम्हें, पता नहीं अचानक रिया को क्या हो गया, मेरे घर से भाग गई। तुम्हारे घर से भाग गई? हाँ, मुझे लगता है तैमूर खान मुसलसल हमारा पीछा कर रहा है और रिया उसके हत्थे चढ़ गई। अब क्या करना है? मुझे लगता है पुलिस से मदद लेनी चाहिए। चलो। तुम्हें एक वकील के लिए कहा था, क्या किया उसका? ठीक है, खुदा बख्श। कोई वकील आएगा उसे अंदर ले आना। शाजिल पता करो ये बेवकूफ कहाँ गया है। अम्मी वो मरी में है, मेरी बात हो गई उससे। क्या करता फिर रहा है? कौन है वो लड़की, क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहा है? ओहो अम्मी, सैफ को कुछ नहीं होगा। हाँ अलबत्ता उस लड़की की जिंदगी खतरे में। क्यों, उसकी जिंदगी क्यों खतरे में? वहां उसे किसी तैमूर खान नामी बंदे ने अगवा कर लिया। तो फिर सैफ वहां क्या कर रहा है? अम्मी मेरी SHO से बात हो गई है, वो उसकी मदद करेगा। वापस बुलाओ सैफ को, मुझे नहीं पता बस। अच्छा मैं बात करता हूँ, आप परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो, सैफ किसी भी मुसीबत में फंस सकता है। अम्मी पुलिस उसकी हिफाजत कर रही है, मुझे तो उस लड़की की फिक्र हो रही है। क्यों, तुम्हें उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? बेटा ये जेवर और ये जोड़ा पहन लो, बरसों बाद इस हवेली में एक शरीफजादी नजर आई है। बेटा इस जोड़े को पहन लो, तैमूर लाला ने ये जेवर अपनी दुल्हन के लिए बड़े शौक से बनवाए थे। तो क्या वो मर गई? नहीं बेटा, शादी से पहले लाला के हाथों उसका बाप मर गया था, फिर ये शादी नहीं हो सकी। तैमूर लाला उससे बहुत प्यार करते थे, बड़े अरसे के बाद उन्हें किसी और पे प्यार आया है। नहीं पहनने मुझे ये कपड़े, ले जाएं इन्हें। बेटा लाला तैमूर वैसे तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कोई चले तो वो जालिम हो जाते हैं। मेरा मशवरा है कि तुम ये छोड़ा पहन लो। याद रखना रिया, जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत को रौंद कर घर की दहलीज पार करती है ना, उन्हें ना मोहब्बत मिलती ना उन्हें माशरे में इज्जत की निगाह से देखा जाता है।
लड़की उठा कर लाया है। तैमूर खान गरीबों में पैसे बांट रहा है उनकी दुआएं खरीदने के लिए। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अम्मी जी आप बैठो बेटा बैठो। तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी ठीक है। कोई मसला है तो मुझे बताओ। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बदनसीब भी नहीं हो। जी क्या मतलब? नेमतें और रहमतें बदनसीब लोग ठुकराते हैं। फिर बिला वजह क्यों? शाजिल ने आपको सब बता दिया है। उसके अलावा इस दुख को कौन महसूस कर सकता है? अम्मी जी शाजिल मेरे साथ खुश नहीं है। ये तुम्हारा फहम है। हाय विश। मगर मगर क्या? मगर मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं। और ये नाशुक्री तुम मत करो। औलाद अल्लाह की नेमत भी है और रहमत भी। उन लोगों से जाकर पूछो जो इस रहमत से महरूम है। कभी रानिया के चेहरे को गौर से देखो। इस महरूमी का दुख उसके चेहरे पे लिखा है। निताशा बच्चा नहीं पैदा करना चाहती और उसका शक पता नहीं क्या रंग लाएगा। फिर सैफ उसने मुझे और शाजिल को लॉन में इकट्ठा देख लिया। पता नहीं क्या सोचता होगा। और रिया रिया का मामला तो मजीद बिगड़ता जा रहा है। अगर उसने यहां आकर सब कुछ बता दिया तो? दादाजी इस नए सेठ का क्या करना? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। इसका भी कुछ करता हूं। तुम हाजी रशीद से मिल लो। जुल जुल सलाम। तशरीफ रखिए। पहले तो तैमूर खान किसी से हाथ नहीं मिलाता और जब एक बार मिला ले तो फिर सारी जिंदगी उसे अपना दोस्त रखता है। दोस्ती दुश्मनी हम वकीलों के यहां कोई मायने नहीं रखती है। हमारे लिए क्लाइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्त हों या दुश्मन हमें तो उनका केस डिफेंड करना होता है। बाय द वे केस है क्या? तैमूर खान का केस ये है कि मैंने एक लड़की से शादी करनी है। लड़की अगर बालिग है और आप शादी करना चाहते हैं तो जायज़ है बशर्ते कि लड़की के माँ बाप राजी। अगर माँ बाप जिंदा ना हो तो फिर लड़की के कोई अजीज रिश्तेदार या फिर अगर लड़की बालिग है तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है वकील साहब लड़की मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती। आप कोई ऐसी तरकीब निकालें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आज तक सब लोग सांप को मारने के साथ साथ
लाठी बचाने के चक्कर में खुद मर जाते हैं और सांप भी बच जाता है। क्या मतलब? मुझे लड़की से एक दफा बात करना होगी। खुदा बख्श। जी जी लाला जी, जी ठीक है, आइए तशरीफ लाइए। बैठो बेटा। रानिया, सैफ से कोई रابطہ हुआ? नहीं अम्मी, शायद उसके फोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे। कहाँ है वो और क्यों आग से खेल रहा है? इसीलिए मैं उसकी शादी की मुखालफत कर रही हूँ। ना जाने वो लड़की कौन है, किससे क्या ताल्लुक है उसका। जानता नहीं है कि जागीरदार लोग कितने ताकतवर और जालिम होते हैं। जानता है अम्मी, बच्चा नहीं है वो। पता नहीं क्यों खामखा अपने आप को खतरे में डाल रहा है। उसे हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं, अपनी माँ का ख्याल नहीं। क्या हो गया उसे, सलमान भी घर पर नहीं है। अम्मी पता नहीं वो कौन है, किस चक्कर में है और यहाँ आकर क्यों गायब हो गई। आजकल समझ ना आने वाले फ्रॉड होने लग गए हैं। सलमान से तुम्हारी बात हुई? कब आ रहा है वो? उनकी भी समझ नहीं आ रही। जब भी उनसे वापस आने का पूछती हूँ, कहते हैं बहुत जल्द अचानक सरप्राइज दूंगा। आइए वकील साहब, ये लड़की है, आप इसका बयान ले लें। मेरा ख्याल है लड़की आपकी मौजूदगी में ठीक तरह से बयान नहीं दे सकेगी। क्यों जी, मेरी मौजूदगी से क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, अदालत में केस मैंने लड़ना है। अगर आप लड़ सकते हैं तो आप बयान ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं ही चला जाता हूं, लेकिन मुझे लाला जी से पूछना पड़ेगा। हाँ तो पूछो पूछो पूछो। हेलो जी, वो लाला जी वकील साहब अकेले में बात करना चाहते हैं जी। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है जी, आप बात कर लें। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? रिया। मुझे तुम कुछ घबराई हुई लगती हो। डरो मत, मैं एक वकील हूं और तुम्हारा वेलविशर हूं। लाला जी, लड़की की मर्जी के बगैर निकाह नहीं हो सकता। कोई सूरत हाल निकाले मौलवी साहब। ऐसी सूरत में अगर लड़की सर भी झुका दे तो निकाह हो जाता है। तुम जानती हो कि शाजिल किससे मोहब्बत करता था? सलमान भाई के आने से पहले तक सब क्लियर कर लूंगी, अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। दरिया से एक लाश मिली है। सैफ की है या हमजा की? सुल्ताने की लाश लगती है। अगर उन्हें शक हो गया तो बहुत बुरा होगा। प्लीज शाजिद, खुदा के लिए यहां से चले जाओ। थोड़ा सा प्यार।